Hello students, welcome to my YouTube channel CHSC Plus 2 Physics Brief Study in Quick Time. एटी छोट छोट वीडियो मु अपलोड करी भी चेष्टा करी भी डेली अपलोड करिया पई जदी भल लागला तमे लाइक कर दबो चैनल को एवं सब्सक्राइब कर दबो तमरो सांग मान को भी शेयर करी परबो एवं जो वीडियो मु पठेबी तार नोटिफिकेशन पई बेल आइकन को ऑल रे प्रेस कर दबो गोटे इंपोर्टेंट जिनस वीडियो रो ऊपर जो देखो छ 3 डॉट्स अछि एटी वीडियो रो क्वालिटी बढेबा पई 144 रु मैक्सिमम जते हि परबो मोटी 480 कर देली तो वीडियो रो क्वालिटी बढि जइबो प्रति वीडियो रो मु पीडीएफ नोट्स भी पठेबी तमे ताको डाउनलोड करी परबो ए जो डाउन एरो अछि या को क्लिक कला परे तुम्हें लिंक पाई जेबो डाउनलोड करी परबो और लास्ट रे इंपोर्टेंट जिनस मु सबु वीडियो रो यूनिट वाइज सजे देके रखे थी मो चैनल को क्लिक कला परे तुम्हारो प्लेलिस्ट एठी बाहर करी के तुम्हें यूनिट वाइज पाई परबो ओके थैंक यू. हेलो स्टूडेंट्स, सो हमें प्रीवियस क्लास रे देखिला अबाउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस. एबेरो टॉपिक हला हमरो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. मन पका जो सिस्टम ऑफ चार्जेस रे आमे पोटेंशियल एनर्जी देखुतला सेति गुटे स्पेशल केस देखुतला व्हेन द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2 हला. डायपोल आल्सो कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस बट एठी डिफरेंस हला गुटे डायपोल रे जो दुईटा चार्ज थाए दो चार्ज आर इक्वल एंड ऑपोजिट एंड दे आर सिचुएटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस हला. किंतु जो पूर्व केस रे आमे देखुतला एठी डिस्टेंस टा कम हो पारे बेसी मध्य हो पारे. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस. आ गोटे डिफरेंस कौन पूर्व केस रे आमे जेकोसी गोटे चार्ज को केवल मूव कर दे पारुथिला हला. किंतु एठी जो डायपोल को आमे गोटे चार्ज को तो मूव ही करि पाइबा नै बिकॉज डिस्टेंस दुईटा चार्ज भितर फिक्स तेणु करी आमे एठी टोटल डायपोल को एठी मूवमेंट हबो ओके. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस. सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन रोटेटिंग हला. एठी डायपोल रोटेशन हम रोटेटिंग द डायपोल फ्रॉम जीरो एनर्जी पोजिशन टू द डिजायर्ड पोजिशन इन द फील्ड. सो एठी आम आगे प्रूव करके देखा जे तुम जो वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा. सो डब्ल्यू तुम जीरो केत कॉस थीटा तुम जीरो हम और थीटा तुम 90 डिग्री हम से तुम वर्क डन टा जीरो हम ओके. ये जिनसटा आपको देखा. सो विल स्टार्ट विथ द फिगर. देखो ये फिगर रे वी हैव टेकन इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी है कंसिस्टिंग ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस. नाउ दिस डायपोल इज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ओके एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन ओके द इलेक्ट्रिक फील्ड. अच्छा ये तुम जो इंक्लिनेशन अच्छी डायपोल विद द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सपोज दिस वन एंगल थीटा है. अच्छा जीरो एनर्जी जो कथाटा मुझे कहती डायपोल जिते इलेक्ट्रिक फील्ड सांगे परपेंडिकुलर हे सो दैट तुम जदि परपेंडिकुलर है मैंने एक्स एक्स डैस एक्सीस एलाइन हो तुम डायपोलटा है. ये तुम एक्स एक्स डैस सांगे डायपोलटा एलाइन होगा सो दैट तुम इलेक्ट्रिक फील्ड सांगे एंगेलटा हो 90 डिग्री ओके देखिबा सेटा. सो आमर जो डेफिनेशन रो आमे देखिला जीरो एनर्जी रो डिजायर्ड पोजीशन पर्यंत. सो आमे जानिचू पूर्व क्लास मान करे मु तंगो बतेईची जे टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज गिवन बाय टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा वेयर पी इज द डायपोल मोमेंट ई इज द फील्ड हला. सो एबे जदि आमे डायपोल को ए इलेक्ट्रिक डायपोल को रोटेट करबा को चाहिबा थ्रू ए वेरी स्मॉल एंगल सपोज डी थीटा हला डी थीटा देन द वर्क डन द स्मॉल वर्क डन इन रोटेटिंग थ्रू ए स्मॉल एंगल डी थीटा इज गिवन बाय टाओ डी थीटा ओके और टाओ रो वैल्यू अबे पुट कर देला सो पीई साइन थीटा डी थीटा हला. एबे हमें जदि टोटल वर्क डन करिबा फ्रॉम जीरो एनर्जी पोजीशन जीरो एनर्जी रे थीटा 90 डिग्री ऑलरेडी कहली टू अ डिजायर्ड एनर्जी डिजायर्ड एनर्जी माने थीटा इक्वल टू सपोज थीटा आम जानू जिते भी एंगल तुम नहीं पार है. सो लिमिट एबे हमें पकईदेला जीरो टू डब्ल्यू अकॉर्डिंगली 90 थीटा है. एबे किछि नै बेसिक आम इंटीग्रेशन करिबा साइन थीटा रो इंटीग्रेशन करले माइनस कॉस थीटा हुए. सो हमर रिजल्ट आसीगला डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा. सो जेमिति कहुतिले इट इज प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा है. अकॉर्डिंगली दिस गिव्स द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच सबटेन्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स है. एवं किसी जब स्पेशल केस देखा जमी अलरेडी कहली थीटा तुम 90 डिग्री हो गले
वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी जीरो आसी जाऊँ थीटा जदि तुम जीरो डिग्री है माइनस पीई हो जाए जदि 180 डिग्री होता तेल कौन हम इट विल बी प्लस पीई है। सो ए किटा बेसिक जिनस देख बताऊँ जोटा भेरी इंपोर्टेंट है कैनेट प्रथम जिनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल मूविंग थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस है। सो मन कर गोटे पोटेंशियल डिफरेंस अच्छी कैपिटल भी है कैपिटल भी रोटे पोटेंशियल डिफरेंस अच्छी है। एंड सपोज देयर आर टू इलेक्ट्रोड्स ए एंड बी है सच दैट ए चार्ज ई ई है तुम इलेक्ट्रॉन चार्ज मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस है। नाउ वर्क डन इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी है आम जानू वर्क डन टा कौन हुए इट गेट्स स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी है। सो एठी जो वर्क डन टा हे इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी इट विल ऑल्सो बी स्टोर्ड इन टू द चार्ज एंड अपीयर्स इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। एवं जहाँ आम पोटेंशियल एनर्जी देखुला यहाँ देख कि स्टोर होकर रोच काइनेटिक एनर्जी बिकज देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस है। सो यो पोटेंशियल डिफरेंस रे आम देखला गोटे चार्ज अच्छी है देख ये फिगर में भी यहाँ देखाई देख दुईटा आमर अच्छी ए आउ बी दुईटा इलेक्ट्रोड अच्छी मझे तुम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अच्छी। सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम है एंड दिस इज आवर चार्ज। सो एठी तुम जो कहली पोटेंशियल डिफरेंस जदि आसला सो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आम जदि गोटे पॉइंट रु आ गोटे पॉइंट को मूव करवा है कह जाए कौन पोटेंशियल डिफरेंस है। द पोटेंशियल डिफरेंस रही तो डेफिनेशन ना अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। सो वर्क डन इन टेकिंग द चार्ज ई फ्रॉम ए टू बी इज गिवन बाय ई वी है। सो दिस इज आवर वर्क डन एंड एज दिस वर्क इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी यदि तार वेलोसिटी को आम दिगला भी तो काइनेटिक एनर्जी के हाफ एम बी स्क्वायर व्वेर एम इज द मास ऑफ द पार्टिकल। सो यही हाफ एम बी स्क्वायर हो जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे है। ये रिलेशन टा बहुत इंपोर्टेंट बहुत प्रॉब्लम रे ये रिलेशन यूज हुए है। ई भी रे तुम एनर्जी रो यूनिट भी थाए जोटा कि आम देखा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हाँ गोटे जिनस देख जदि तुम ई रैल्यूटा कुलम रे अच्छी तेल भि रुम होोल्ट काइनेटिक एनर्जी हो जूल आ ई जदि तुम स्टार्ट कुलम रे अच्छी भि विल बी स्टार्ट वोल्ट एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी इन अर्ग है सीजीएस रे आ एसआई रे देदी। एबे वेरी 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 इंपोर्टेंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट देख इलेक्ट्रॉन वोल्ट माने इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी बहुत गुड़ाए प्रॉब्लम रे तुम एनर्जीटा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे देथाय सेठी भूल हेबार बहुत चांस थाए है। भूल केमती हुए जमती क्वेश्चन रे से एक्चुअली रे इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे देथिबो किछिटा यूनिट किंतु तुमको रिजल्ट टा मागी थिबो से मे बी धर जूल रे मागी थिबो देन यू हैव टू नो द वे टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू जूल एंड वाइस वर्सा है। सो देख फर्स्ट डेफिनेशन टा देख इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन है। जेहतु इलेक्ट्रॉन वोल्ट अच्छी सो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन ही एनर्जी है इलेक्ट्रॉन रही एनर्जी व्हेन इट इज एक्सिलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वन वोल्ट। ओके सो इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सिलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वन वोल्ट तो आम इलेक्ट्रॉन रो चार्ज जानचु ये कि वी है तुम एक वोल्ट तेल काइनेटिक एनर्जी सांगे यहाँ सामान जेहेतु है जस्ट इन आम उपर देखला। सो तुम काइनेटिक एनर्जी सांगे यहाँ इक्वेट करदे वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा है इ रैल्यू तो आम जब पुट करदे देन वी गेट वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू बी 1.6 इंटू 10 टू दि पावर माइनस 19 जूल। दिस इज ए वेरी इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। आउ गोटे घूर के जदि तुम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट देदेला है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जदि तुम देदेला एम ई वी देदेला है तेल वन एम ई वी है मेगार कौन तो मैंने यूनिटा अर्डरटा है तार मेगार 10 टू दि पावर 6 है। सो 1.6 इंटु 10 टू दि पावर माइनस 19 इंटु 10 टू दि पावर 6 है दिस इज फॉर मेगा। सो आमर अकॉर्डिंगली लास्ट रिजल्ट आसीगला के 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज हाउ मच 1.6 इंटु 10 टू दि पावर माइनस 13 जूल। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपोर्टेंट यही कन्वर्सन यही जिनसटा सूत्रटा मन रख बहुत गुड़ाए प्रॉब्लम तुम
सॉल्व करी पारिबो। ओके थैंक यू।